हम जानेंगे कि इंडसइंड बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग कैसे सेट कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से बहुत ही इजी तरीके से। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों, अगर आप इंडसइंड बैंक है, आप चाहते हो कि आज इस बैंक पे मैं इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लूँ, तो घर बैठे आप बहुत ईजी तरीके से चालू कर सकते हो। एक दोस्तों, आप मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए यहाँ पे होम स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया है usind.com। यहाँ पे इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग चालू करना है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हुए यहाँ पे सीधे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन लिखा होगा लेफ्ट साइड में, लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पे जाएंगे जो एरो की बना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक लॉगिन का बटन आपको दिखेगा जो यहाँ पे पट्टी में है, ब्राउन कलर के पट्टी के अंदर। इस लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और इसके बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रही है, पेज न्यू पिन हो रहा है। यहाँ पे न्यू पेज पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए एक न्यू पेज ओपन होके आ गई है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड इत्यादि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांग रही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमको, आपको सिर्फ यहाँ पे इजीली तरीके से नीचे आनी है। यहाँ पे एक बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस बैंकिंग वाले पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं, तो इस बैंकिंग वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग लेके कुछ न्यू चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखा है इंडसइंड बैंक और यहाँ पे इंडियस नेट लिखा हुआ, यानी ये इंटरनेट बैंकिंग का जो पेज है, यहीं से आपका सेटअप होगी, यहीं से आप अप्लाई कर सकोगे और आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है चालू हो जाएगी। तो सो गाइस, पूरी प्रोसेस आप देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए आपको इंटरनेट बैंकिंग चालू करने में। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है, इसकी होम पेज या डायरेक्ट पेज, इस जो यहाँ पे आए हैं इंडसइंड नेट का जो एकदम मेन ऑफिशियल है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाके डायरेक्टली इस लिंक पे आ सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक मैं दोनों दे रखा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे सो गाइस, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे साइन अप फॉर इंटरनेट बैंकिंग एंड एंजॉय स्पेशल ऑफर्स अप टू 1000। तो रजिस्टर नाउ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ एक्सेस वुड लाइक टू ओपीटी। तो यहाँ पे क्या करना है, व्यू एंड ट्रांजेक्ट एंड यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन है व्यू ओनली। तो अब दोनों मैं कर सकता हूँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लोडिंग लेगा। उसके बाद देख सकते हैं और भी कुछ यहाँ चीज़ें आ गई है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, रेफर और चेक बुक, ठीक है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर जो है आपका वो भी डालेंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड पिन, यानी जो आपका एटीएम पिन बनाए होंगे अपनी कार्ड की, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं जो पिन 4 अंक की बनाए होंगे वो पिन यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है कार्ड पे होगा, एक्सपायरी डेट आपका वहाँ पे उसका मंथ और ईयर डाल देनी है। उसके बाद CVV यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होता है उसको यहाँ पे डालना है, जो कि आपके कार्ड के पीछे वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 अंकों की होती है, तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके सामने कैप्चा शो हो रही है इस बॉक्स में, इस कैप्चा को ऊपर वाला जो शो रहा है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। तो इतना सारा मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबमिट करा, सबमिट करने के बाद देख सकते हैं आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। तो सो गाइस, मैं OTP को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस है आपको बता देता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे OTP डाल चुका। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे स्टेप में यहाँ पे आ चुका हूँ। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे कस्टमर ID आपका शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र ID, ठीक है, चॉइस और पर्सनलाइजेशन यूज़र ID। यहाँ पे अपनी मर्जी से आप चॉइस कर सकते हो, जो भी यूज़र ID बनाना चाहते हो, जब वहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करोगे तो आपको यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो सो गाइस, वही यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से बनाना होगा, यूज़र ID और पासवर्ड भी। तो सो गाइस, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, जैसे आप ईमेल ID बनाते हो आएंगे वहाँ पे आप इंग्लिश के अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3 जैसे कुछ भी ऐसे, और अपनी पासवर्ड अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और उसको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, यहाँ थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके कुछ यहाँ पे न्यू चीज़ देखने को मिलेगा। तो सो गाइस, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चौथे स्टेप पे, और यहाँ पे चौथे स्टेप में आपको पूछा जाएगा सेटअप सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे देने होंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट नेम, ठीक है, आपका जो पहला बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पे पूछा है, तो आप अपना जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज योर सेकंड होम, ठीक है, तो आप किस क्या नाम है, या फिर कुछ अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर सिटी का नाम डाल सकते हो यहाँ पे सिंपली बोल दें। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ए है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, तो आपका जो पहला पेट
नेम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका पेट नेम था यहाँ पे डाल सकते हो, निक नेम जैसे आपका कोई भी नाम हो सकता है तो उसका निक नेम डाल सकते हो, फिर अपना ही नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें आपको जो भी डालेंगे ध्यान में रखना है कि आपने किस क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपको काम आने लगे, क्योंकि ये तभी काम आती है जब आप अपनी पासवर्ड रीसेट करते हो या कुछ भी ऐसे भूल जाते हो, फॉरगेट करते हो, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे उस वक्त पूछा जाए, तो आपको ध्यान से ही यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो भी है यहाँ पे फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मेरा टास्क था मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका क्वेश्चन का, उसके बाद सैंपल यहाँ पे कंफर्म वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर चुका, यहाँ पे कुछ वेलकम यहाँ पे देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन यानी मेरा जो भी यूज़र आई डी यहाँ पे देख सकते हैं बन के आ गया है, और पासवर्ड आपने बनाया ही आपको याद ही होगा। तो सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको नेट बैंकिंग जो है इंडसइंड बैंक का बनाना सिखा दिया है। सो गाइस आप इस वीडियो को कई बार देखिए, अगर आपको समझ नहीं आए एक से दो बार देख सकते हैं, और आप फाइनल इस प्रोसेस को कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए अपने इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।